हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पी कैलेक्टेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्जाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी 17 नवंबर को एम्स के द्वारा एक रिक्वायरमेंट निकाली गई है जिसका नाम कॉमन करियर रिक्वायरमेंट रखा गया है, जिसमें बहुत से एम्स का इकट्ठा जो कॉमन एग्ज़ाम जो है वो लिया जाना है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास सबकी बार है फ्रेंड, क्योंकि इसमें तरह तरह की वैकेंसी जो है वो निकाली गई है और इसका सबसे फास्ट प्रोसेस जो है वो रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 17 नवंबर को इसके फॉर्म शुरू हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 1 दिसंबर रखी गई है। जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 दिसंबर से इसका जो अप्लीकेशन स्टेटस का लिंक है वो एक्टिवेट होने वाला है। यदि आपको नहीं पता है तो आप चेक कर लीजिएगा 5 दिसंबर को अपना एप्लीकेशन स्टेटस। और फ्रेंड, बात करूं एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपके 12 दिसंबर से जो है डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे और 18-20 दिसंबर को इस आपका यानी 2 दिन एग्ज़ाम जो है वो चलने वाला है। तो किसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम 18 दिसंबर को होगा तो किसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो है 20 दिसंबर को रहने वाला है। अब आपके मन में ये डाउट उठ रहा होगा कि सबसे पहले किस पोस्ट का एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा 1 दिसंबर के बाद जो है एम्स के द्वारा बता दिया जाएगा कि किस पोस्ट का एग्ज़ाम 18 को है तो किस पोस्ट का एग्ज़ाम 20 दिसंबर को होने वाला है। बात रही आपकी डोमेन सब्जेक्ट सिलेबस की, तो ये भी आपका 1 दिसंबर के बाद जो है एम्स के द्वारा जारी कर दिया जाएगा हर एक पोस्ट का। यदि इससे रिलेटेड कोई भी हमको अपडेट देखने को मिलती है तो आपको उसी टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों।